हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे निपुण। निपुण का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। मतलब क्या, इसमें क्या होता है, इसमें संख्या, इसको या तो इसको और बस हिंदी में बोल सकते हैं, संख्यात्मक ज्ञान के साथ पठन में निपुणता के लिए राष्ट्रीय पहल, मतलब कोई राष्ट्रीय पहल हुआ। इसमें समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत आता है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ना 2020, उसमें इसको निपुण के बारे में बताया गया है। निपुण कब लागू किया था? 5 जुलाई 2021 को लागू किया गया था। कौन लागू किया था? शिक्षा मंत्री जो थे रमेश पोखरियाल निशंक जो थे, रमेश शिक्षा मंत्री थे, वहीं लागू किए थे। इसमें क्या किए थे? शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा पांच चरणों और 5 स्तरों में लागू किया गया। कौन कौन स्तर है? पहला है राष्ट्र, दूसरा है राज्य, और तीसरा है जिला, चौथा है ब्लॉक स्तर, और पांचवा है स्कूल स्तर। पांच को है, पहला राष्ट्र, दूसरा राज्य, तीसरा जिला, चौथा ब्लॉक स्तर पर, और पांचवा स्कूल स्तर पर। यही पांच जो है, ये योजना जो चरण जो है लागू किया था 5 चरणों में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत निपुण आता है। इस निपुण योजना के अंतर्गत क्या करना है, शिक्षा विभाग क्या करे, बच्चों को समग्र विकास करना है, समग्र विकास पर ज़्यादा ध्यान देना है कि बच्चा पूरी तरह होल, मतलब चारों तरफ ऑलराउंडर हो सके। इसका लक्ष्य क्या है? प्रतियोगिताओं मतलब जो कम्पिटेटिव के लिए, उसके लिए तैयार करना, मतलब कोई भी अपना पूरा करे अपना लक्ष्य खुद ही, और सृजनात्मकता पोषण पर इस योजना के अंतर्गत ध्यान देना है।